इस वक्त मुल्क में एक सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ हुकूमत अपने इतादियों से रबते कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें आपस में मुलाकातें कर रही हैं। एमकेएम जो अहम इतादी है उनके जो डिप्टी कमिश्नर है उसने भी कह दिया कि अवाम जब खुश नहीं है तो हम वफा की हुकूमत जब भी खुश नहीं है। तो आप लोग कितना खुश हैं, महसूस ऐसे हो रहा है कि आप लोग अकेलेपन का शिकार है? ना तो इमरान खान की तरफ से आपसे कोई रबता किया जा रहा है, ना ही अपोजिशन जमातें आपसे कोई रबता कर रही हैं। और उसके अलावा ये कि सिंध के अहम इशूज पर जीडीए भी जो है खास तौर पर वफाक हुकूमत के साथ शरीक रही है। अगर आप कहेंगे, अगर आप ये खाद का इशू हो, यहाँ कराची समेत सिंध के दीगर जो शहर है अजला है वहाँ पर गैस नहीं है लोगों को, महंगाई का इशू दीगर कई अहम इशूज है, पानी का इशू, 650 एनजीडी की एप्लीकेशन वफाक के पास पड़ी है उस पर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो जीडीए कहाँ स्टैंड कर रही है? और मुतहदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से भी आपने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस पर, लेकिन इस वक्त भी वो सब अकेले अकेले खेल रहे हैं, आप लोगों को किसी जगह आज वोट नहीं दे रहे। नहीं, आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि आप लोग आइसोलेशन का शिकार क्यों है, आम आवाज मसायल पर आप लोग क्यों नहीं बोलते, ये सवाल है। देखिए जी, बात यह है कि मैं यकीनन जो ना एक बात जहाँ तक आपका क्रिटिसिज्म है, हम अपने देखिए हम अलायंस में हैं वफाक हुकूमत के साथ, हम अलायंस में पीटीआई के साथ हम अलायंस में यकीनन, लेकिन 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 अनफॉर्चुनेटली जीडीए की वो कुव्वत या ताकत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम उनको डिक्टेट कर सकें। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ इस बात को, लेकिन आप ये कहेंगे कि हमने अपनी चीज़ों को नहीं उठाया, हमने उनके साथ नहीं मुज़ाकरात किए या हमने अपने इशूज़ को उनके साथ नहीं टेकअप किया, ये बात गलत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितनी जिम्मेदारी हम वफाक पे डालें, या ये बुनियादी सवाल यहीं पे है कि हम कितनी जिम्मेदारी उन पे डालें और कितनी जिम्मेदारी हम सिंध हुकूमत पे डालें। हम बिल्कुल कतन आइसोलेशन का शिकार नहीं है, जो कुछ इंटीरियर अपने इंटीरियर सिंध के अंदर जो कुछ गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर हुआ सबको पता है। आप जब ये दावा करते हैं कि जी जैसे मैंने पहले कहा कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो धांधली देता, तो आप कौन से कोई सही इलेक्शन जीत किया है? 99,000 वोट लेकर लोगों को आपने हरवाया यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है, वो बड़ी क्लियर है हमारी।